आपकी तबीयत, आपकी शख्सियत मुझे इतनी पसंद आई है कि अगर हम मिलके कुछ कर सकें जिससे हज़ारों लोगों का फ़ायदा हो, आई एम रेडी। मुझे याद है मैं साथ साथ कुछ ट्रेनिंग करा रहा था, तो मैंने कहा उस्ताद जब कहता है ना बच्चे से, ओए तुम्हें समझ नहीं आ रही, तो उस वक्त उस्ताद के सामने आईना ला के उन्हें कहना चाहिए ज़रा फिर से इरशाद फरमाइएगा कि असल में आपको समझ नहीं आ रही कि उसे समझ नहीं आ रही, चूँकि ये मेरा काम है कि मैं समझाऊँ। जब मुझे पता है मैंने बताना है तो दैट्स माई जॉब, तो ज़िम्मेदार कौन है? वो मैं हूँ। और सुभान अल्लाह सुम्मा सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ में तशरीफ़ ले गए थे, आप तो दावत देने गए थे ना अच्छाई की, और हुआ क्या? यानी नालायन मुबारक तक लहू से भर गए थे, और आपने क्या फरमाया कि ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, इन्हें हिदायत दीजिए, दैट्स इट। उन्हें ये नहीं कहा इन्हें गर्क कर दीजिए, ज़ाहिर है पैगाम, देखिए आपको पता है पैगाम आया था ऊपर से, यानी खालिक रहमत लिल आलमीन ने पैगाम भेजा था रहमत लिल आलमीन के पास, ऐसे ही था क्यों गज़नफर साहब? खालिक रहमत लिल आलमीन मैसेज भेज रहे हैं किसके पास? तो क्या उन पे पहाड़ गिरना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर हिदायत ऐसी मिली कि कहानियाँ पढ़ के देख लें कैसे हिदायत उनके हिस्से में आए। तो जिस घड़ी आपको ओहदा आता होता है तो वो आपने अहद करना होता है कि अब आप जिम्मेदार हैं और अब आप सब्र के साथ लोगों को आगे लेकर चलेंगे, और आपका लबो लहजा हर रिश्ते, हर किस्म के रिश्ते में उसका ठीक होना अजहद ज़रूरी है। ये ज़रा मिलकर मेरे साथ कहिएगा, पहले आप आते हैं, पहले आप आते हैं, फिर बात आती है, फिर ज़ात आती है, और आखिर में औकात आती है। बात पहुँच रही है ना? आप कहीं गए और लोग आपको देखते रह गए कि क्या कमाल लग रहे हैं ये, और दूसरे साहब ने कहा कि जनाब बोलिए तो सही, और जब वो बोलें जिस तरह कहते, एक मदरसे में बैठे हुए थे उस्ताद साहब, मौलवी साहब पढ़ा रहे थे, और एक इतनी देर में एक साहब तशरीफ़ लाए, बड़ी दराज कामत सुने, तो उनके लिए खड़े हो गए सब के सब। तो उन्होंने कहा किबला आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मुल्ला जूसब, मुल्ला जूसब। तो उन्होंने क्या फरमाया, कहने लगे मैं तो समझा मौलवी यूसुफ तशरीफ़ लाए होंगे। उन्होंने कहा बह जाओ ये तो मुल्ला जूसब आया। धड़ाम से वो गिर गया, वो जो इतनी बड़ी शनाख्त और शख्सियत थी। तो आपके लफ्ज लहजे लब है ही, देखिए इन जानवर नहीं बात कर सकते, इंसान कर सकता है, और अगर इंसान को बात करना हैवान नाते के इस्तेमाल हुआ कहा गया, तो फिर आप और हम अगर अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को ठीक नहीं करेंगे तो क्या जानवर करेंगे? हमने ही करना है, हमने करना है। हमारे लफ्ज़ों से, हमारे लहजों से लोगों को ज़ख्म भी मिलते हैं और लोगों को मरहम भी नसीब होते हैं। हमने देखना है, चाहे हम नौकरी करें ना करें, इंसान तो है ना,